Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students of class 8. जैसे आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं पोएम दी ब्रूक, एक नदी के बारे में, जिसको पोएट ने यहाँ पे परसोनिफाई किया है. अल्फ्रेड डेनिसन ने परसोनिफाई किया है, मींस उसको एक इंसानी किरदार के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया है. ऐसे लगता है जैसे ये नदी अपनी अपनी आप बीती सुनाता है, यहाँ पे उसको आवाज दे है. दिस इज कॉल्ड परसोनिफिकेशन. तो यहाँ तक हम पहुँचे, चूँकि ये बहुत बड़ी पोएम है और हमारी 2G स्पीड है, ज़्यादा हम पढ़ नहीं सके, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है. सो अब हम यहाँ तक पहुँचे थे. आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रॉसी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स. ये बोलती है कि यहाँ पे नदी बोलती है, जो अपने ये आप बीती सुनाती है, बोलती है कि मैं निकल जाती हूँ, गुजर जाती हूँ बड़े खामोशी से, चरागाहों में, घास के मैदानों से मैं निकल जाती हूँ. और फिर आई स्लाइड बाय हेजल कवर, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, और सरकती जैतून के बाग के पास से, जैतून के बाग के पास से, हेजल बोलते हैं एक ऐसा स्मॉल ट्री दैट प्रोड्यूस नट्स, तो हम उसी को बोलते हैं जैतून, उसके पास निकलती हूँ. और उसके बाद बोलती है दैट आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, रखती हूँ खुश में सुंदर फॉरगेट मी नॉट्स को, उगते हैं जो खुशकिस्मत प्यार करने वालों के लिए. यानी मैं इन जगहों से निकल जाती हूँ और मैं इस फॉरगेट मी नॉट्स को उगते हैं, तो उनको जो खुशकिस्मत प्यार करने वालों के लिए उगते हैं. आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस अमंग माई स्किमिंग स्वेलोज, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज. कभी फिसलती, कभी सुरकती, कभी गुजरती अंधेरी जगहों से, कभी दौड़ती तेजी से, चली जाती हूँ मैं बी से. I make the natural sunbeam dance against my sandy shallows. चली जाती हूँ मैं बीच से अपनी उठकीलियाँ करती अबाबीलों से, नचवाती हूँ मैं कैद सूरज की किरणों को. यानी बोलते हैं कि जो ही मुझ पे सूरज की किरणें पड़ते, तो मैं जब निकलती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे वह नाचती हैं किरणें अपने रेतीले कम गहरे पानी में, अपने रेतीले जो नदी जो होती ज़्यादा गहरी भी नहीं होती है, उस पानी में हमें दूर लगता है ये जो सूर्य किरणें वो नाचती रहती हैं. आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली विल्डरनेस, आई लिंगर बाय माई शाइंगली बार्स, आई लॉइटर अराउंड माई क्रिसेस. चली जाती हूँ मैं सरसराती चांद और तारों तले, यानी रात शिजबा आसा पका जोन गाश तार का गाश तो कांटेदार झाड़ियों और बियाबानों के बीच से कंडदार कंड छायों तेल बियाबान जंगलों में जो पागा आसा. चली जाती हूँ मैं पस वो पेश से अपने पास पड़े गोल पत्थरों के करीब से, कि मैं बीत बच्चे जो मुझे बीच में आते हैं गोल नोकीले पत्थर आते हैं उसके करीब से निकलती हूँ. रहती हूँ मैं मंडलाती इर्द गिर्द अपने काई के पौधों के, तो बस आसा मतलब मंडलाव अमन पौधे पौधे आसा वात वात अम से मंडलाव अमन कपर्स बह कर क्या हमन सतान कर और योर. एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर. और बलखाती हुई निकल जाती हूँ मैं बाहर, और बलखाती हुई निकल जाती हूँ मैं बाहर मिन्ने भरी लबालब नदी से, बस गा नियर आश वार ताकि बस समक बढ़ दी उस
इक्वल छ तहत क्योंकि इंसान है आते जाते रहते क्योंकि इंसान छ एवा त गसा लेकिन मैं तू बटाई गो ऑन फॉर एवर मगर बस हमेशा एवरग्रीन पक्का रोजा प्रश्न था हवा कहीं ध्यान ठीक छ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इट्स ए पड़ गया ये पॉइंट थे एंड इंशाल्लाह सुबह करो इस टेक्स्चुअल क्वेश्चंस.